भारतीय वायुसेना की पांचवी पीढ़ी की फाइटर जेट इमका का निर्माण जल्द ही शुरू हो सकता है। डीआरडीओ ने इसके डिजाइन को अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS के पास भेजा है। यह एक ट्विन इंजन बेस्ट एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होगा। यह साल 2026 तक सामने आ जाएगा। डीआरडीओ ने पांचवी पीढ़ी की स्वदेशी फाइटर जेट की अप्रूवल के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS के पास डिजाइन भेजा है। इस कमेटी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इस फाइटर जेट का नाम एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एमका है। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ सकता है। EMCA में दो इंजन लगे होंगे। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 GE 414 इंजन लगे हुए होंगे। अब कमेटी के सामने DRDO ने फंड्स की डिमांड की है। EMCA आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। इस फाइटर जेट से पहले LCA तेजस MK2 आ जाएगा। इसमें भी GE 414 इंजन लगे होंगे। EMCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। EMCA अमेरिका की F-35 और रूस की SU-57 को कड़ी टक्कर देगा। देश में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 ED की राफेल फाइटर जेट ही मौजूद हैं। यह विमान अमेरिका की सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड में पछाड़ देगा। EMCA की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। F-35 की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। EMCA की आने की बाद पाकिस्तान तो मुंह खोल नहीं पाएगा। चीन की हालत भी खराब रहेगी।